फिलहाल मैं थोड़ा सा ही आपको सुनाऊंगा, वो भी कट में। तो इसको प्ले करना है। चलिए थोड़ा आपको मैं शुरू से आपको सुनाता हूँ, इसे भी बजा के दिखा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा मैं आपको टुकड़ों में। दोगे मुझको क्या सनम, तो दोस्तों आपको भी मेरी तरफ बहुत खुशी होगी इन पुराने टेप रिकॉर्डरों को एक साथ देखकर। और मैं बता दूं दोस्तों, ये तो मेरे पास अभी थोड़े से ही हैं, मेरे पास और भी है जो कि मैंने बहुत ही संभाल के रखे हैं स्टोर में ले जाके। और ये थोड़े से आज मैं निकाल के लाया हूँ। मैं इन सब का जो है एक एक करके इनको जो इनका जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मेरा मूड बना है इन्हें सेल करने का। तो मैं इन सब को जो है सेल करना चाहता हूँ, जो कि ये सब कम्प्लीटली चालू कंडीशन में है। ये जितने भी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेट, ये सब चालू कंडीशन में है और अच्छी कंडीशन में है, कम्प्लीटली वर्किंग है। इनमें रेडियो भी चलता है और कैसेट भी चलता है, और कंडीशन भी बहुत अच्छी है दोस्तों, बिल्कुल नए जैसे दिख रहे हैं। और बस्ते बस्ता भी अच्छा है दोस्तों। मैं थोड़ी देर में आपको इन सब को जो है एक एक करके बजा के भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और मुझे पूरा पूरा यकीन है आप सबको आज ये मेरे सारे कैसेट प्लेयर पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी महाशय को इनमें से कोई भी पीस पसंद हो तो कृपया जल्दी करें, मैसेज करें, ताकि इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आपका जल्द से जल्द हो सके। तो क्योंकि दोस्तों मैं इनका वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर पब्लिश करने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ मैं। और एक एक करके जो है मैं आपको जो है बजा कर दिखाने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये आज का वीडियो आप सबको पसंद आने वाला है। तो आप जानते हैं दोस्तों, मैं नेशनल पैनासोनिक का जो है बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मेरे पास ज़्यादा करके नेशनल पैनासोनिक के ही बूम बॉक्स आपको मिलेंगे, और कुछ में मैं ब्लूटूथ भी लगा देता हूँ। ये देखिए, अगर आपको ब्लूटूथ लगाना है तो ब्लूटूथ भी लगवा सकते हैं। और अगर आपको सिंपल लुक में पसंद है तो मेरे पास सिंपल भी मिलेंगे। ये देखिए, जैसा कि ये है पी के सेट, तो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेट है दोस्तों, पी के सेट। ये लगभग 1978 का मॉडल है दोस्तों, बहुत चर्चित मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड आती है। तो
चलिए दोस्तों, जैसे आप वीडियो देख लेंगे तो मुझे मैसेज करें आपको कौन सा सेट पसंद है, तो जल्दी से बुकिंग शुरू करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले कोई और बाजी मार जाए और ये आपके हाथ से छूट जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये सानियो कंपनी, इसका मॉडल नंबर है M9875, तो मैं सबसे पहले आपको इसको सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने कैसेट ये डाली है, तो इसे हम बंद कर लेते हैं। और दोस्तों इसको मैं यहाँ से प्ले करूँगा और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा देर नहीं सुनाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में। तो अगर आपने और भी इसमें कुछ सुनना है तो आपको मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, तो मैं तभी आपको जो है पूरा सॉन्ग सुना पाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ही आपको सुनाऊँगा, वो कर दिया है। अब मैं आपको दूसरा सेट दिखाऊँगा। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने एक और सेट तैयार कर दिया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बत्ती जलाऊँगा, ये देखिए बत्ती आ गई है, लाइट आ गई है इसमें। तो देख लीजिए सेट बिल्कुल जो है मिंट कंडीशन में है, बढ़िया कंडीशन में है, बिल्कुल नए जैसा ही लगता है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कैसेट बॉक्स, ये इस तरह से कैसेट लगानी है और यहाँ से दोस्तों इसको प्ले करना है। मैं थोड़ा आपको शुरू से सुनाता हूँ। सेट बहुत ही अच्छी कंडीशन में दोस्तों। क्योंकि अभी रेडियो ऑफ है। तो ये नेशनल पैनासोनिक का ये 466 मॉडल है दोस्तों, सॉरी 565 मॉडल है दोस्तों, पीके मॉडल भी कहा जाता है इसे। तो चलिए मैं अब दूसरे वाला भी आपको दिखा देता हूँ। तो अब बारी आ गई है दोस्तों, ये फिलिप्स कंपनी का RR 474 मॉडल है। ये देखने में बहुत ही छोटा है दोस्तों, बहुत ही कम जगह गिरने वाला है ये टेप रिकॉर्डर, और अगर आप इसकी आवाज़ सुनेंगे तो बहुत ही मस्त हो जाएंगे। इसके छोटूपने में मत जाइए, इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए मैं आपको इसे भी बजा के दिखा देता हूँ। इसका स्लाइडिंग वॉल्यूम है दोस्तों, ये देखिए, और इसमें FM रेडियो भी है, 3 बैंड का रेडियो है इसमें, देखिए FM, MW, SW, और बजता बहुत मस्त है। आवाज सुनिएगा दोस्तों थोड़ा गौर से। मैं थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा दोस्तों, कॉपीराइट ना आ जाए धके। मैं
नजरे जो झूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा। तो अच्छा लगा दोस्तों, अगर इसकी आवाज़ अच्छी लगी हो, अगर आपके पास भी ये वाला टेप रिकॉर्डर हो छोटा सा, तो मुझे भी बताइएगा। तो चलिए मैं अपने नेक्स्ट टेप रिकॉर्डर पर आ जाता हूँ। तो अब बताइए दोस्तों, ये वाला मॉडल आपको कैसा लगता है? ये नेशनल पैनासोनिक 466 मॉडल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा मॉडल है ये। 1976 का, 75 से 76 का मॉडल है, बहुत ही पुराना एंटिक पीस है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। बजता भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सेट है। मैंने हज़ारों सेट इस मॉडल के बेच चुका हूँ, अभी भी डिमांड बहुत है इनकी। लोग इसकी ये जो क्लासिकल जैसी लुक है, इसके लिए बहुत इसको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसका लुक बहुत ही प्यारा है। आप घर में, घर के आप जिस कोने में भी या जिस जगह पर भी रखेंगे, ये उसकी शान बढ़ा देता है। घर में आने जाने वाले मेहमान भी इसे देखकर बहुत इसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एंटिक जैसा और क्लासिकल लुक, बहुत ही प्यारा ये टेप रिकॉर्डर है। मॉडल बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो चलिए मैं इसे भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप भी इसकी आवाज़ को जो है पसंद करें। तो सबसे पहले यहाँ से दोस्तों इसे ओपन करना है, और इस तरह से कैसेट इंसर्ट करनी है। और मैं आपको पहले बता दूँ, ज़्यादा देर बजाऊंगा नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा मैं आपको टुकड़ों में। दोगे मुझको क्या सनम, तो चलिए थोड़ा रिवाइंड करके सुन लेते हैं। थोड़ा और कर लेते हैं। तो है ना दोस्तों प्यारी आवाज, बहुत ही क्यूट आवाज है, और टेप रिकॉर्डर बहुत ही शानदार दिखता है, बहुत ही हाईफाई जैसा दिखता है, तभी लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों इसकी, और मेरे पास ये अभी आखिरी पीस बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। तो रेडियो अभी इस टाइम बंद है दोस्तों, तो अगर आपको और भी कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आ जाते हैं हम। तो ये लीजिए दोस्तों, वीडियो कॉन का भी आ गया, ये वीडियो कॉन कंपनी का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 90 के दशक का टेप रिकॉर्डर है, लगभग 1992-93 का मॉडल है ये। तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। और इस छोटे से टेप रिकॉर्डर में आप देख रहे हैं, इसमें ग्राफिक इक्वलाइजर भी दिया है 3 बैंड का, और बैलेंस भी दिया है, देखिए बैलेंस। और ये गोल वाला वॉल्यूम हो गया, और ये फंक्शन के लिए देखिए ऑक्स,
इस छोटे से ये रोबोटिक मॉडल बोला जाता है दोस्तों, रोबोट की तरह दिखता है। तो ये रोबोटिक मॉडल है, तो ये देखिए आप इस छोटे से टेप रिकॉर्डर में। और सबसे पहली बात तो ये स्टीरियो है और ऑक्स रेडियो टेप, मतलब आप इसमें जो है लाइन इन लाइन आउट का भी मज़ा ले सकते हैं। और देखिए 3 बैंड का इसमें रेडियो दिया गया है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और FM। और ये आपका ट्विनिंग हो गया। तो चलिए यहाँ देखिए आप हेडफोन भी लगा सकते हैं इसमें। और सबसे अच्छा ऑप्शन दोस्तों ये लाइन इन और लाइन आउट का है। तो मॉडल की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मॉडल नंबर है BSF 221। और कई मेरे दोस्तों ने अपने टाइम पर इसे देखा भी होगा, बजाया भी होगा। बहुत ही चला हुआ मॉडल है ये भी, लुक वाइज भी बहुत ही प्यारा है। बिल्कुल छोटा सा एलियन दिखता है ये रोबोटिक मॉडल, बिल्कुल एलियन की तरह अलग ही लुक है। लगता नहीं है कि ये कैसेट प्लेयर है, ऐसा लगता है ये कोई ब्लूटूथ, उस ज़माने का ब्लूटूथ बम बॉक्स है ऐसा लगता है। तो चलिए मैं इसे भी आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। ये वही कैसेट लगाऊंगा, इंग्लिश बाबू देसी मैम, ये शाहरुख खान की मूवी थी। तो मैं थोड़ा रुक रुक के सुनाऊंगा दोस्तों, लगता है कैसेट खत्म हो गई है। थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, फिर से वही गाना लगाएंगे, दीवाना दिल हुआ दीवाना, मैं तेरा दीवाना। क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा अगर लंबा बजाऊंगा तो। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर किसी महाशय को ये सेट पसंद है तो ये मेरे पास अभी अवेलेबल है दोस्तों। तो बस आज के लिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त है। जय हिंद, जय भारत।